हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग रविता गुंजी। मॉर्निंग का टाइम है और हम अभी जा रहे हैं नेपाल शंकुवर में। आज भी रोड खुलेगा तो जाएंगे हम, रोड तो ब्लॉक है बता रहे हैं। हम दोनों बढ़िया नहा धो के फ्रेश होके निकल गए नेपाल की ओर। पैदल जाएंगे क्यों नेपाल? जहाज तो नहीं चल रहा, पैदल जाएंगे। इंडिया से नेपाल पैदल जा रहे हैं हम लोग। मौसम तो बढ़िया नहीं, जर का नहीं सो जहाज दिंगे पिरा सो। ये है म्यूजियम, हाँ, और यहाँ का तहसील है ये, और इसको बोलते हैं तहसील रोड धारचूला। रंग संग्रहालय है ये, अंदर से तो देखा नहीं अभी तक, क्योंकि जब भी आए हम लोग जल्दी में आते हैं, जल्दी में चले जाते हैं, तो ऐसा घूमने का देखने का मौका ही नहीं मिलता। ये देखिए धारचूला का मार्केट, मॉर्निंग में ही सारी दुकानें खुल गई हैं। ये है गज्जुलों की दुकानें, किराए पर लगी हुई है, और मैं जा रही हूँ अभी दीपी लोगों के घर उसका सामान देने। मैडम अपने ससुराल की रसोई में तो अभी उठ रोटी बना रही है। हम तो नहा धो के आगे सब पैक कर रहा था ना। प्रणाम 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 बधे। अरे गन बुद्धिंग के नौखा जबलो इंडे बढ़िया जबलो तेल नौ खले इना फोन को मी को बाकरी में छे गए प्रणाम। इतने मसरूफ हो कि आप पीछे देख ही नहीं रहे हो कौन आ रहा है। अरे थोड़ा सा नजदीक आके मुंह दिखाओ। दीपी का सामान देना था ना, सामान देना था दीपी का। तो वो बुद्धि में किसको देते है, किसके हाथ जाता है बाबा ने। नेपाल रोड में मैं बच्चों के लिए ले जा रही हूँ चीज जी। बच्चे तो गए होंगे स्कूल, लेकिन ये है यहाँ की चौकी जहाँ पर बैठते हैं पुलिस वाले। यहाँ बैठती है इंडिया की पुलिस और वहाँ आगे बैठती है कस्टम, और वहाँ भी तो एसएसबी वाले बैठते हैं रोड में, उधर पुल में। ये यहाँ बैठते कस्टम वाले, और ये है नेपाल रोड, और यहाँ इस टाइप की आपको दुकानें मिलेंगी जैसे फड़ वाली दुकानें होती है। तैनात रहते हैं एसएसबी वाले। ये है नेपाल और इंडिया की बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन ये काली नदी, काली नदी से समझिए कि काली नदी के पार नेपाल और काली नदी के बाहर इंडिया। और मुझे तो ये पुल भी अब जर्जर हालत में लग रहा है, साइड से टूटा हुआ है, और नदी तो बिल्कुल मुंह में ही आ रहा लग रहा है। बहुत ही भयंकर रूप है भैया, आजकल बरसात में काली नदी का रूप देखने लायक होता है। और ये है नेपाल इंडिया को जोड़ने वाला पुल, जो कि जब से हम पैदा हुए तब से तो हम यही पुल देख रहे हैं, लेकिन भयंकर ही झूला पुल टाइप में हो गया, अब ये हिलने लग रहा है चलते चलते, और इधर उधर से थोड़े टूटा फूटा भी हो रहा है। और ये देखिए काली नदी का विहंगम दृश्य, और हम पहुंचने वाले हैं नेपाल, और अभी हम जाएंगे फिलहाल मोती। यहाँ भी नेपाल की पुलिस है खड़ी। अब हम पहुंच गए हैं नेपाल, और यहाँ सारे सामान आपको काठमांडू के और चाइना के सामान मिलेंगे, और अच्छे दामों में भी मिलेंगे, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। हम जा रहे हैं मोती। एक मिनट भैया रुके, हम जा रहे हैं अभी मोती की ओर। बंगा पकड़ तो अभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी बस अभी हम जा रहे हैं अपनी बुआ से मिलने,
उनसे मिल के हम आ जाएंगे। उसके बाद जब भी रोड खुलेगा तो हम निकल जाएंगे, इसलिए हम सुबह सुबह फ्रेश होके आ गए नेपाल की ओर। एक से एक दुकानें हैं यहाँ पे, और यहाँ से देखिए इंडिया। हेलो हेलो हेलो, गणेश से हो गई मुलाकात। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग, कहाँ से? हल्द्वानी से सीधा। और बढ़िया जा रहे हैं? थो देखिए। हाँ, और बढ़िया। ये है गणेश की दुकान, ये दोनों दुकान गणेश की है। गणेश की दुकान ये है, टिंकर खेड़ा। ये है नेपाल की सुंदरियाँ। धेरे ही रामरो चोखो। आज टीचर्स डे है तो बच्चे सब साड़ी पहन के जा। पहुँच गए हम मोती खेड़ा, पहुँच गए आशीर्वाद कॉलेज। यहाँ से देखिए इंडिया, इंडिया का इधर वाला एरिया। ये कौन सा, ये फुल पस्ती वाला एरिया क्या है वो? ते टॉप खुची आई ते ती वाला जो ये वक्त में फुल पस्ती वो ते तमा की वाला था उसे ले बाप रे। ये वक्त ये तो खुची तो मत थे इन यार। पहुंच गए हम मोती खेड़ा। ये मेरी बुआ आशीर्वाद। हाँ जी, ये है बुआ का घर, छोटी बुआ का। प्रणाम नीचे, प्रणाम। ये है मेरी बुआ। अरे प्रणाम, आशीर्वाद आशीर्वाद। पापा के बदले मम्मी बोल देती थी ना। ये पानी मोती खेड़ा में नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। नहीं आए, हमने सोचा मर गया। 2 बजे तक नींद ही नहीं आया, सुबह 4 बजे तक वो गेट में खड़ा रहा। ना हल्द्वानी से थोड़ा ठंडा, नैनीताल से कम ठंडा। मोती खेड़ा बैठे हैं हम लोग नाश्ता करने के बाद। ओ सोनतालों का मकान। ये है हमारी बुआ की छोटी सी दुकान, घर में गोट में ही दुकान खोल रखा है उन्होंने छोटा सा। ये अमरूद तोड़ के रखा था बुआ ने, तो मुझे पसंद है अमरूद, खा रही हूँ अब मैं अमरूद। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, वही मिलेंगे। नहीं तो 8 तारीख को आऊंगी। नहीं तो ऐसा करना ना, ये सामान जो भोगने वाला है उसको लेके कहना कि वहाँ पहुँचा दे, तिरुलों का बता देना। वहाँ कहाँ पहुँचाएंगे? स्टेशन में रख देंगे। स्टेशन किसके यहाँ रख देंगे? यो सुमित्रा से मैं तीन दो खाता है दो भाई पालन दबो। अब हम निकल गए हैं मोती खेड़ा से। आगे पुल में तो पुलिस वाले वीडियो बनाने नहीं देते हैं, पहले भी कह रहे थे फोन बंद करो वीडियो नहीं बनाओ नेपाल वाले, और नेपाल की पुलिस मना करती है। वैसे इंडिया वाले भी मना करते हैं, उन्होंने तो देखा नहीं था ब्लॉग बनाते हुए। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ मोती खेड़ा में, नाश्ता किया। अब थोड़ा सा गांव ले जाने के लिए एक दो पूजा का सामान खरीदना है, और रोड ब्लॉक होने की वजह से आज नहीं जा पा रहे हैं। जब भी रोड खुलेगी तो निकल जाएंगे हम। आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया ना, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ है तुम्हारा घर, सब पूछ रहे हैं। नहीं तो ज़्यादा ऐसे चेकिंग तो होती थी सामानों की, बट आधार कार्ड दिखाना ये सब नहीं होता था। आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। टोकरी कैसे दे रहे हो? ये वाला छोटा वाला है? और बड़ा वाला मयंक? बड़ा वाला ये वाला हाँ, उसका भी 200। ये जो बहुत ही महंगा लगता है। और ये सुपा 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 250।
ये खुद ही यहाँ बिंद है। हाँ। कहाँ के हो आप? नेपाल के? हाँ, नेपाल का हूँ। अच्छा, वापसी में लेंगे, ठीक है? ओके। अभी तो टूरिस्ट खुले नहीं है, खुलने वाले 15 तारीख से, तब देखना कितनी भीड़ होती है। बता दो चाची, ला मैं ले लागे घर में, ले लागे घर में, अच्छा लग रहा है बताना। छिछी क्या मुंह बना रहा है ऐसा? खतरनाक कर रहा है यहाँ आके तो। छिछी हो, अब यहीं छोड़ दो इसको, यहाँ वो छोटी बहनी के साथ चलेगा। क्या है ये, क्या खाया तूने? अरे झाड़ू, झाड़ू का वो पता नहीं क्या मुंह में डाल रखा था इसने। हरा हरा। ओके भाई, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। धारचूला की तंग गलियां, सारे मोहल्ले खेड़े ऐसी गली गली है, बस मेन रोड तक ही गाड़ियां चलती हैं, बाकी किसी के घर तक गाड़ियां यहां बिल्कुल भी नहीं जा सकती हैं। ऐसी गलियां बनी हुई है, कंजस्टेड। ये यहां नेपाल से बेचने के लिए आते हैं ना, ये देखो 100 रुपये दर्जन कह रहे हैं। नहीं यार ऐसे मत बोलो, 100 रुपये दर्जन तो नहीं होता। तो 100 रुपये दर्जन, ये पूरा ही वाला हो दर्जन, ये घी से दाँतों ने घन से खा दाँतों, मैं पैसे दे रही हूँ। आज यहाँ रंगराजू में लेडीजों का पार्टी हो रहा है, किटी पार्टी, टीज स्पेशल। सब लोग लाल लाल साड़ी में खूब सज दस के एक एक करके आ रहे हैं। वो तो हमें देख नहीं पा रहे, लेकिन हम उनको देख रहे हैं। वो अपने ही धुन में हैं सब लेडीज़। आज शायद छंगरोशा मंगे गिट्टी ये नहीं को रंगराजू में। तो आज का ब्लॉग इतना ही है, और हम लोग आ गए हैं नेपाल से, थोड़ा बहुत एक दो पूजा का सामान लेके। तो बस देखते रहे रविता गुंजी ब्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कीजिए सब्सक्राइब, और कीजिए मेरे अगले ब्लॉग का इंतजार। बाय बाय।